हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ब्रिजेन। आइए शुरू करते हैं आज का इंग्लिश का लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत नरेशन। और नरेशन का पहला पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, उसी से संबंधित ये अगला पार्ट है जिसमें आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिसमें अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है। कन्फ्यूज़न ये रहती है कि जो मैंने आपको नियम बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से बदलता है, और अगर वहाँ पे सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट से, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। लेकिन पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाई तो उसको मैं यहाँ पे डिटेल में केवल इसी पार्ट को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। और उस चीज को समझने के लिए आपको प्रोनाउन की फैमिली से रूबरू होना होगा। आज मैं पूरी प्रोनाउन की पूरे खानदान को आपके सामने ला रहा हूँ, सभी को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्रोनाउन के जितने भी मेंबर होते हैं, जितने भी सदस्य हैं, उन सब को आज मैं बताऊंगा एक एक करके, और वो कहाँ पे आएंगे, किस परिस्थिति में आएंगे, किन कंडीशंस में आएंगे, ये सब मैं क्लियर करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। अगर आपको प्रोनाउन को यूज करने में समस्या होती है किसी भी, चाहे वो सब्जेक्टिव केस का हो, ऑब्जेक्टिव केस का, पजेसिव केस का, या जिस भी रूप का प्रोनाउन होगा, तो उसको बहुत क्लियर करने वाले हैं आज। तो इन्हीं को मैं बताने वाला हूं, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं क्लियर करूंगा। मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच में दो पार्ट होते हैं, आपको याद होगा इसके दो पार्ट होते हैं। एक को हमने कहा था रिपोर्टिंग स्पीच, क्या बोला था हमने, जी हाँ, रिपोर्टिंग स्पीच। और नंबर दो को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। तो जो नियम हमारे होते हैं इन्हीं दोनों पे आधारित होते हैं। तो हमने आपको नियम लिखाया कि भाई अगर जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो वर्ब होती है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी इसका जो टेंस होता है, यानी जो सेंटेंस दिया गया उसके अंतर्गत जो टेंस है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसमें नो चेंज होगा। ये मैंने आपको बताया था, ये पहला नियम, इसी के तहत हम पढ़ रहे हैं रूल को, कि रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है या रिपोर्टिंग स्पीच अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये नो चेंज होगा, उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन जहां जहां होता है उसकी मैंने बात बताया कि तीन स्टेप के द्वारा हम परिवर्तन करते हैं। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया था कि अगर वहां पे सेज टू है या वहां पे से टू है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू, टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्रमशः हमने क्या किया था, इसको हमने टेल्स में कर दिया था और इसको हमने कर दिया था टेल में, ये था। इसके बाद पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद दूसरे स्टेप पे हम जाते थे, जो कॉमा था और ये स्टार्टिंग बिगिनिंग का इन्वर्टेड कॉमा, इसके स्थान पे हम क्या लगा देते थे, दैट का प्रयोग कर देते थे। थर्ड स्टेप पे ये होता था कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करते थे, प्रोनाउन संबंधी चेंज होते थे, जो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूं। मैंने यहाँ कहा था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या बताया था, आई और वी और इसके पूरे फैमिली मेंबर, यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर ये आता फर्स्ट पर्सन तो उसे किससे चेंज करते थे, उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज करते थे, ये हमने आपको बताया, सब्जेक्ट से बदलेगा। और अगर सेकेंड पर्सन आता है जिसके अंतर्गत यू होता है, यू की पूरी फैमिली, तो उसे हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं, और अगर थर्ड पर्सन आता है तो उसमें नो चेंज होता है, ये हमने बताया था। तो इसी पे आज हम और विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये जो प्रोनाउन संबंधी कंफ्यूजन होता है, कहां पे हिज आएगा, कहां पे मी आएगा, कहां पे हिम, कहां पे माई, ये जो आता है इसकी बात विस्तार से करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। ये पिछले प्रीवियस लेक्चर का ये डिस्क्रिप्शन है जो मैंने दिया, तो इसके आगे हम कंटिन्यू ये करना चाहते हैं कि जो आई, कहीं पे आई आता है, कहीं पे मी, कहीं पे माई, ये कैसे हम जाने कि आई है तो आई ही आएगा, आई है तो मी आएगा, या आई है तो माई आएगा, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वजह होती है, इसकी चर्चा हम आज इस लेक्चर में करेंगे। तो ये जितना मैंने बताया ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हमारे मेन टॉपिक की बात करते हैं जिसको आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं।
तो सबसे पहले मिलते हैं प्रोनाउन की फैमिली से, देखते हैं कितने मेंबर होते हैं प्रोनाउन में। तो तीन प्रकार के, तीन पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा, फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में आपका ही शी इट और दे होते हैं। तो दोस्तों ये जो जिस रूप में हम प्रोनाउन को पढ़ते हैं ये सब्जेक्टिव केस होता है, ये जो मूल रूप प्रोनाउन का होता है ये सब्जेक्टिव केस होता है क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। इसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। तो दोस्तों जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। आई का होता है ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का होता है अस, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस दोस्तों हो जाता है हिम, और शी का हो जाता है हर, और इट का इट ही रहता है, ये दोनों सिमिलर होता है यू और ये, और दे का हो जाता है देम। तो अभी हमने इतना देखा, अब हम चलते हैं पजेसिव केस में। पजेसिव केस ये संबंध या अधिकार को व्यक्त करता है, पजेशन या रिलेशन को। यहाँ पे दो कैटेगरी है, एक एडजेक्टिव्स की है, एक प्रोनाउंस की है। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से ठीक पहले आते हैं। तो आई का पजेसिव केस का एडजेक्टिव होता है दोस्तों माई, और वी का हो जाता है आर, और यू का होता है योर, और ही का होता है हिज, शी का होता है हर, और इट का आपका इट्स होता है, और आपका दे का हो गया देम, ये हो गया। अब यहां पे दोस्तों हम प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसका होता है माइन, ये हो जाता है आर्स, ये होता है योर्स, ऐसा लग जाता है। हिज का हिज रहता है, ये सिमिलर रहेगा, यहां ध्यान देना ये दोनों सिमिलर होते हैं, और हर का होता है हर्स, और इट का यहां पे नहीं होता है, और दे का होता है देयर्स, टी एच ई आई आर एस, देयर्स, ये देयर्स अलग है, वो देयर अलग होता है। तो ये हो गया, ये हो गया इसका अगला मेंबर, और लास्ट जो है उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं इसका एक और मेंबर होता है। अब यहां पे माई का होता है दोस्तों माई सेल्फ, जिसमें सेल्फ लगा होता है। आर का होता है आर सेल्फ, वी एस रहेगा, एफ नहीं रहेगा क्योंकि ये प्लूरल नंबर है। योर का दोस्तों योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ दोनों होता है, तो ये आपको ध्यान देना होगा, ये सिंगुलर के लिए ये होगा, प्लूरल के लिए ये होगा। ही के लिए दोस्तों हो जाएगा आपका हिम सेल्फ, ये होता है, और हर के लिए हो जाएगा हर सेल्फ, और इट का होता है इट सेल्फ, और दे का होता है दोस्तों देम सेल्फ, एस ई एल वी ई एस रहेगा। तो ये ध्यान दीजिएगा ये अलग है आपका, ये क्योंकि प्लूरल के लिए इसमें एफ नहीं है, वी ई एस सेल्फ रहेगा, यहां पे सेल्फ रहेगा। इतने मेंबर होते हैं प्रोनाउन में। अब बात ये होती है कि भाई हमारा नरेशन में इनका क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है। कहने का मतलब ये होता है अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट से रिप्लेस हो रहा है तो इनमें से कोई लेंगे, ऑब्जेक्ट्स तो मतलब कि अपने ही कैटेगरी का वर्ड आता है, यहां का है तो यहां से लेंगे। अब हम बात करते हैं यहां एग्जांपल की तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इनकी फैमिली से आप मिल चुके, ये सब सब्जेक्टिव केस के होते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव केस के हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं, ये पजेसिव केस में ये आपका एडजेक्टिव है, ये अकेले कभी, इसकी खास बात ये होती है कि ये कभी अकेले नहीं आता है, ये नाउन के साथ आएगा। माय फैमिली, माय मोबाइल, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय फादर, ये कभी माय अकेले नहीं आता है, ये हमेशा अकेले आता है। माइन, दिस पेन इज माइन, दैट मोबाइल इज माइन, तो ये अकेले आता है, ये अकेले नहीं, ये नाउन के साथ, आर कंट्री, योर फैमिली, हिज ब्रदर, हर पेंसिल, तो कुछ भी, ये सब नाउन के पहले आएंगे। हालांकि इनका और डिटेल में आपको प्रोनाउन के टॉपिक में बताऊंगा, ये प्रोनाउन के टॉपिक का है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के अंतर्गत, ये फर्स्ट प्रकार का प्रोनाउन जिसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन का ये केस होता है जो आपको प्रोनाउन के टॉपिक में बहुत डिटेल से इतना क्लियर बता दूंगा कि कभी आपको जिंदगी में इनमें कंफ्यूजन नहीं होगी। यहां पे मेरा फोकस ये है कि नरेशन में जब ये आए तो हम कैसे सही यूज करें, ये हम बताना चाह रहे हैं। तो इस टेबल से मैं यहां क्लियर करूंगा, पहला एग्जाम्पल मैं यहां देता हूं, ही सेज टू मी I will help your father. ये दोस्तों ये sentence हमने दिया है यहां पे। He says to me, I will help your father.
तो ये सेंटेंस हमारा पहले नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है कि ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो टेंस नहीं बदलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ही रहेगा। लेकिन जो जो बदलेगा उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो ये पूरा बदलता है, इसको हम क्या करते हैं, इसको करते हैं ही टेल्स मी। अब यहां क्या करना है, सॉरी यहां कॉमा रहेगा, तो इन दोनों के साथ में क्या लगा देंगे, दैट का प्रयोग कर देंगे हम यहां पे, ये हो गया। अब दोस्तों ध्यान देना है कि ये फर्स्ट पर्सन है। अभी मैंने बताया था इससे पहले कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे मान लीजिए एस ओ एन, ये जो आपका है 123 और सर का फॉर्मूला जो आपको बताया गया है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है। ये एस मतलब सब्जेक्ट हो गया, ओ मतलब ऑब्जेक्ट हो गया, ये आप जानते हैं, एन मतलब नो चेंज हो गया। तो ये नियम कल मैंने बताया था। तो यहां आई फर्स्ट पर्सन है, यहां लिखा हुआ है, तो आई किससे बदलेगा, आई बदलेगा सब्जेक्ट से, ही से। तो यहां पे दोस्तों चूंकि आई सब्जेक्ट के स्थान पे है तो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म ये है, तो ही का भी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी ही लिखा जाएगा, यहां रहेगा ही बिना किसी उसके कॉपी कर लेंगे। विल रहेगा क्योंकि यहां पे टेंस परिवर्तित नहीं होगा, हेल्प भी रहेगा। अब यहां पे रुकना है आपको दोस्तों, योर आ गया यहां पे, योर ये सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किससे बदलता है, ये बदलता है आपका ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यहां पे क्या है, यहां पे है मी। अब यही ध्यान देना है, क्या मी लिख देंगे, नहीं, हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि हमने इसलिए इसको लिखा हुआ है कि ये सेकंड पर्सन योर है। तो देखिए योर कहां पे आ रहा है, योर इस लाइन में आ रहा है, यानी कि यू का योर ये एडजेक्टिव है। तो यहां पे मी का एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, यानी कि वो अपनी ही रो या अपनी ही कैटेगरी के वर्ड से रिप्लेस होगा, अपनी ही कैटेगरी के शब्द से रिप्लेस होगा। फैमिली वही रहेगी लेकिन वो अपने हम उम्र के साथ रिप्लेस होगा कह सकते हैं। तो यहां पर जो योर था ये आपका यू का एडजेक्टिव वाला केस है, इसीलिए मी का एडजेक्टिव वाला केस क्या लेंगे दोस्तों, माई लेंगे। यानी योर है तो माई मी से जरूर बदल रहा है, लेकिन योर देखिए क्या मैच कर रहा, नहीं मैच कर रहा है। तो मी के सामने क्या यहां पे है, इसके सामने माई, तो यहां क्या ले लेंगे हम, माई ले लेंगे, ऐसे माई, और ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, हम क्या कहना चाहते, कहना यही चाहते हैं कि जो प्रोनाउन का फॉर्म होता है वो अपने ही क्लास या अपने ही केस से रिप्लेस होगा। फैमिली वही हो सकती है कि योर बदलेगा फर्स्ट पर्सन की फैमिली से, लेकिन किस मेंबर से, अपने ही कैटेगरी के मेंबर से बदलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं यहां अगला लिख रहा हूं, यू से टू हिम आई can teach your brother, ये सेंटेंस मेरा है दोस्तों, ध्यान दीजिए। मैंने कहा you said to him I can teach your brother। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, वही हमने किया, you said को क्या कर देंगे दोस्तों, यहां पे tell में कर देंगे, him क्या रहेगा, him रहेगा। अब समझ जाइए यहां पे क्या लगा दीजिएगा, दैट लगा दिया हमने, कैन सॉरी अब क्या आई को टारगेट करिए, आई फर्स्ट पर्सन फिर से किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से यू से। तो चूंकि ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो यहां कोई इश्यू नहीं है, तो यू को यू लिख देते हैं, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, टीच को टीच लिख देंगे। अब यहां पर रुक जाना है, फिर से योर आ गया, योर किस पर्सन का, ये सेकेंड पर्सन का, किससे बदलेगा, ऑब्जेक्ट से हिम से बदलेगा। लेकिन वही बात फिर से, हिम वाला अब चूंकि योर यू का पजेसिव केस है, तो हिम का पजेसिव केस क्या मिल रहा है यहां पे, हिम का पजेसिव केस सामने क्या है, हिज, यहां क्या लगाएंगे, यहां हो जाएगा हिज ब्रदर। ये क्लियर हो गया। और बहुत तरह के एग्जांपल, जैसे मैंने यहां लिखा कि आई से टू देम, निकाई से टू देम, यहां पे You are not helping, simple sentence लेते हैं, यहां पे हमने कह दिया me, ये हमारा sentence हो गया। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसमें भाई, तो पहले तो वही लिखते हैं, I कर लेते हैं, इसको कर लिए हमने tell में, ये हो गया them, ये हो गया that, हो गया okay। अब यू दोस्तों क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, तो
तो किससे बदलेगा, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से देम से, लेकिन क्या यहां पे देम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये स्थान सब्जेक्ट का है, सब्जेक्ट यानी कि सेंटेंस के शुरू में क्या आता है, ये यू आर नॉट हेल्पिंग मी में यहां पे यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो देम का सब्जेक्ट वाला केस लिखिएगा, यानी क्या लिखेंगे भाई, देम का सब्जेक्ट वाला केस क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे। अब यहां पे यू दोस्तों ये भी है, ये भी सेम होता है, थोड़ा सा आपको श्योर रहना है कि ये वाला यू यहां पे है जो है, क्योंकि यहां पे जो आता है सेंटेंस के शुरू में वो होता है सब्जेक्ट, इसीलिए हम यहां पे देम ना करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे दे, तो हो जाएगा दे आर का आर रहेगा, नॉट का नॉट रहेगा, हेल्पिंग भी लिख दिया हमने यहां पे। अब यहां पे मी को ध्यान दीजिए दोस्तों, मी जो है ये किससे बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का है भाई, किस पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है, देखिए तो मी किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा, सब्जेक्ट यहां पे क्या है आई, तो क्या उठा के हम यहां आई कर देंगे, नहीं, क्योंकि मी इस पूरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी ही तो होता है, यानी कि बदलेगा तो फिर से मी हो जाएगा, यानी कि मी का मी हो जाएगा, तो ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया, आई टेल देम दैट दे आर नॉट हेल्पिंग मी, तो ये हो गया। आई थिंक ये सारे एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे, एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं और कुछ पार्ट को ट्राई कर लेते हैं, और ये हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर आप प्रोनाउन की फैमिली से वाकिफ हैं। तो अब यहां पे मैंने लिखा शी विल से आई Do my all work. I do my all work myself. अब यहां दोस्तों देखिएगा ये सेंटेंस बड़ा इजी सा मैंने दे दिया, बहुत सिंपल सा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चेंज करते हैं। तो आप जानते हैं कि यहां पे से के बाद कोई ऑब्जेक्ट या टू नहीं है, तो इसको सेम रहने का रखना होगा, कोई चेंज नहीं करेंगे, तो हो जाएगा शी विल से। अब यहां क्या लगा दीजिएगा, दैट लगा दिया आपने। अब भाई क्या करेंगे, आई फर्स्ट पर्सन है तो किससे चेंज करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, हम सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, तो आई के स्थान पे शी आएगा कि हर, शी आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का स्थान था, शी सब्जेक्ट होता था, लेना शी लिख दिया हमने यहाँ पे शी। और अब यहाँ पे डू थोड़ा, अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आई डू यहाँ पे है तो शी क्या, एक बच्चे तो यहाँ क्या जाएगा, डज हो जाएगा, यहाँ पे डू माने करना, शी डज। अभी हम दोस्तों माई क्या है, फर्स्ट पर्सन ही है, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, शी से बदलेगा, तो यहाँ पे आई का माई होता तो शी का क्या हो जाएगा, हर, आप जान पा रहे हैं तो शी का हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा क्रॉस लिख गया है, यहाँ हो जाएगा हर ऑल वर्क। फिर से वही बात, माई सेल्फ है तो आई के साथ माई सेल्फ आया है, तो शी के साथ क्या आएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, तो यहाँ पे शी का हर सेल्फ लिखा हुआ है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ध्यान इतना देना था कि प्रोनाउन का परिवर्तन होता जरूर है, लेकिन जिस केस में है उसी केस का वो प्रोनाउन आएगा, फैमिली कोई भी हो, चाहे वो फर्स्ट पर्सन की फैमिली हो या सेकंड पर्सन की फैमिली हो, थर्ड पर्सन की फैमिली, तो फर्स्ट पर्सन की फैमिली का सब्जेक्ट है तो ये आएगा ऑब्जेक्टिव केस, ये आएगा पजेसिव, ये और ये, तो जहां से जो होगा वही लेंगे, इसमें आपको श्योर रहना होगा, अगर ऐसा करेंगे तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। एक सेंटेंस और मैं यहां देता हूं, प्रोनाउन का भी एग्जांपल देता हूं, इसमें जैसे मैंने लिखा कि ही सेज टू मी आई नो दैट मिस्टेक वॉज माइन, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, आई नो दैट मिस्टेक वॉज माइन, मैं जानता हूं वो मेरी गलती थी, ऐसे मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे वही करेंगे, शी ही हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा, हो जाएगा मी, आगे हो गया दैट, अब यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन किससे बदलेगा, ही से, तो ही रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ही के बाद क्या, नोज आ जाएगा यहाँ पे, ही नोज, अब दैट चूंकि दैट ही एडिस से होता तो कोई दिक्कत, दैट को दैट रहेगा, यहाँ मिस्टेक का मिस्टेक भी वही लिख देंगे हम यहाँ पे, दैट मिस्टेक वॉज का वॉज रहेगा यहाँ पे। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब आपको करना ये है कि माइंड को चेंज करना है। अब आई यानी माइंड फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, ही से, तो ही का
क्या यहाँ होगा? देखें यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, अब आई के लिए यहाँ के माइंड था, तो माइंड के सामने क्या यहाँ पे हिज, सिंपल से यहाँ पे हिज आ जाएगा यहाँ पे, तो सिंपल मिस्टेक वॉज हिज, ये खत्म हो जाएगा यहीं पे, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो सिर्फ इतना मैच कराना होता है कि जिस केस का होगा, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस में एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो भी होगा वही लिखेंगे हम, अपने आप से नहीं लिख देंगे। इतनी सी बात इसमें समझना है। और डिटेल में आपको जानना है कि माइंड का हिज का प्रयोग कहाँ होता है, हिम का प्रयोग कहाँ होता है, माई का प्रयोग कहाँ होता है, माइंड का प्रयोग कहाँ होता है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा, इस नरेशन को खत्म करके हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे, नाउन प्रोनाउन, तो बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से मैं इन सबको समझा दूंगा और आपको आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करते हैं, और कब माई कब हिज कब ये लगाया जाता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये इतनी सारी बातें आपको मैं बताना चाह रहा था, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको अगला नियम बताऊंगा जहां पे टेंस संबंधी परिवर्तन होगा, कि अगर रिपोर्टेड रिपोर्टिंग स्पीच जो पास्ट टेंस में हो जाएगी, वही प्रेजेंट फ्यूचर तो हम पढ़ चुके, पास्ट में हो जाएगी, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदलेगा, कैसे बदलेगा, क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या हमें ध्यान देना है, ये सारी बातें हम बताएंगे, और उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन की भी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम बहुत जल्दी नरेशन को कंप्लीट करेंगे, फिर आगे नए टॉपिक की ओर चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों से भी वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो ऐसे ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजफुल मैं दूंगा, ताकि आप बेहतर इंग्लिश में स्कोर कर पाए। दोस्तों एक बार फिर से दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।